पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कस्तूरबा गांधी हो, जितने भी अस्पताल हैं, बालकराम अस्पताल है, जितने भी मर्सी, जितने भी अस्पताल हैं, सारे अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और पिछले चार दिनों से हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। इनकी एक ही मांग है और वो मांग ये है कि इनके वेतन दिए जाएं। वेतन कौन देगा? वेतन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर पिछले 14 साल से शासन में है तो एमसीडी को देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वेतन देने के बजाय इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है और वो बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पैसे बकाया है, दिल्ली सरकार के पैसे हैं, दिल्ली सरकार को पैसे देने हैं, जबकि वो पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। हम आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं जो ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को एमसीडी को, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को पैसे देने हैं, ना कि दिल्ली सरकार को। जैसा कि आप सबको पता है कि 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल जो है वो ग्रांट देता है पूरे देश के नगर निगम को, जितने भी लोकल बॉडी होती है सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है और 14th फाइनेंस कमीशन के आधार पर 2,87,636 करोड़ रुपए सेंट्रल ने पूरे देश के नगर निगम को ग्रांट दिया, जो कि रेशियो बनता है 488 रुपए पर व्यक्ति। मतलब जिस नगर निगम की जितनी पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन को 488 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पैसा निकल के आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नगर निगम को देगी। पिछले कई सालों से, इवन 2001 से, ना दिल्ली नगर निगम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रुपए नहीं दिए हैं। गाजियाबाद नगर निगम को दिया है, गुड़गांव नगर निगम को दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली नगर निगम को एक रुपए नहीं ग्रांट में दिया है, जो कि उनका ग्रांट भारत के संविधान के आर्टिकल 270(3) के तहत भारत के संविधान में यह लिखा है कि नगर निगम को यह पैसे देने हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे नहीं दे रही है। अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन से इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1150 करोड़ रुपए पर साल, 1150 करोड़ रुपए पर साल दिल्ली के केंद्र सरकार को, दिल्ली के नगर निगम को देना है। अगर हम इसको पिछले 10 साल का ही मान लें, पिछले 10 साल का कैलकुलेट करें, तो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को 12,000 करोड़ रुपए देने हैं, जो कि संविधान के अंदर उनको।